जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का डॉक्टर रोमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा अच्छे अच्छे ज्योतिष के बारे में, मोटिवेशनल्स और कुछ यूनिक जानकारियाँ जो हमारे जीवन में बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोस्तों चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि आपकी राशि का प्रेम जीवन का रहस्य या कड़वा सच भी हम कह सकते हैं। बात शुरू मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि प्रेम जीवन का कड़वा सच या रहस्य। दोस्तों होता यह है कि जो टीनेजर्स होते हैं, आप भी टीनेज में होंगे या अभी टीनेज में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये 13 से 19 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है आपकी राशि के लिए, ये थोड़ा यूनिक और बहुत ज़्यादा भावनात्मक या बहुत ज़्यादा भावनात्मक पहलू हावी होते हैं हमारे ऊपर, और जो हमारी समझ होती है वो बचकानी होती है। बहुत कम लोग मैच्योर हो जाते हैं इतने कम उम्र में, लेकिन फिर भी दुनिया को जीतने का, हवा में उड़ने का और गाड़ी को स्पीड से भगाने का कई सारे अलग अलग ख्याल हमारे मन में तैरते रहते हैं। वो जीवन को एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही उमंग और उत्साह की ओर देखा जाता है। तो जो भी जातक 13 से 19 वर्ष के यदि कोई वीडियो देख रहा है, आप सभी से निवेदन है कि फोकस ऑन योर करियर। सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करें, उसके बाद ये सभी चीज़ों पर आगे बात रखें। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ पहली शुरुआत में ही वीडियो को, सबसे अधिक मुझे कमेंट्स 19 वर्ष से लेकर 13 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं, पर्सनल मैसेज भेजते हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी ये उम्र आपकी प्यार करने की नहीं है, ये उम्र आपकी करियर की ओर फोकस करने की है। अब दूसरी बात आता हूँ, जो जातक 19 वर्ष से अधिक हैं या जिनकी उम्र 20-25 साल विवाह के करीब हैं या शादी करना चाहते हैं, वो लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप में होंगे, बहुत दिनों से रिलेशनशिप में होंगे, अब उसे शादी में जल्द से जल्द शादी करना चाहेंगे। ये कंडीशन है बहुत से दोस्तों के साथ चल रही होगी, पर दोस्तों यहाँ पर तकलीफ ये होती है कि प्लीज़ आप एक दूसरे को वास्तविक में जीवन भर रह पाएंगे, ये चीज़ आप खुद से ज़रूर पूछ लें एक बार। क्योंकि प्यार जो होता है वो एक विषय अलग हो जाता है और शादी एक विषय अलग हो जाता है। मैं दोनों चीज़ होती एक ही है, लेकिन ये बात, जो बात प्यार शादी से पहले की होती है वो शादी के बाद नहीं रहती। क्योंकि आज 2018 में भारतवर्ष में सबसे अधिक तलाक हुए हैं, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, 2018 में सबसे अधिक तलाक हुए हैं, और उन तलाकों का एक बहुत बड़ा जो वजह है वो है लव मैरिज। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैंने आपसे शेयर किया है और एक बहुत बड़ी बात भी शेयर की है कि कहीं ऐसा ना हो आप लॉन्ग टर्म तक जीवन यापन कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे को निभा पाएंगे, ये जानना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर कन्फर्म है तभी शादी की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे के साथ जो जीवन है वो लॉन्ग टर्म तक जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे ये तो कहना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन जो रिश्तों में होते हैं वो इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करें तभी कोई कदम ले। क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार है, माता पिता है, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए, दोनों के लिए, और दोनों का पूरा जीवन है। तो कहीं ये नौबत पारिवारिक कंडीशनों में या कुछ आदतों में, ये सभी चीज़ें एक बार ऑब्जर्वेशन कर ले तभी कोई निर्णय ले। प्यार की भावनाओं में आकर कोई गलत फैसला ना ले, ये कड़वा सच मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सबसे ज़्यादा इस साल तलाकों की जो परेशानियाँ बढ़ी हैं उसकी वजह से कहना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।